पाकिस्तान की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना की लव स्टोरी इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आए दिन सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन से जुड़ी जानकारियां वायरल हो रही हैं। सीमा हैदर का मामला अब गर्माता ही जा रहा है। इलीगल तरीके से भारत में एंट्री लेने वाली सीमा हैदर जांच एजेंसियों के रडार पर है। सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ खुलासे हुए हैं। फरवरी 2022 में इसने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, जिसमें 1.5 साल में 9 बार सीमा हैदर ने अपना यूजर नेम बदला। सीमा हैदर सचिन सहित 16 लोगों को फॉलो करती थी। इसमें भारत की खबरों के लिए सीमा ने ANI को फॉलो कर रखा था। बाकी फॉलोअर्स में ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़े इंस्टा अकाउंट थे, जिसमें सीमा बागेश्वर धाम और महादेव से जुड़े अकाउंट्स को फॉलो करती थी। बता दें, पाकिस्तान में छुपकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली सीमा हैदर भारत में आकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई है। उसने इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट की प्राइवेट से सेटिंग चेंज कर पब्लिक कर ली है। पाकिस्तान में रहने पर सचिन और सीमा ही एक दूसरे की रील देख और भेज पाते थे, लेकिन इस पूरे मामले में फेसबुक पर सीमा हैदर के नाम पर 35 से अधिक IDs हैं। हर IDs में एक बात कॉमन है कि सबकी प्रोफाइल में सीमा की फोटो लगी है। वहीं वह पहले इंस्टाग्राम में भी अपनी ID बदल चुकी है, जो अब ATS के पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं। इसके अलावा सचिन के सोशल मीडिया अकाउंट से भी चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। सचिन ने भी इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना रखा था और अपनी कोई भी तस्वीर नहीं लगाई हुई थी। सचिन के इंस्टाग्राम अकाउंट को सिर्फ सीमा हैदर ही फॉलो करती थी। सचिन ने अपने इंस्टा और फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट कर रखा था। वहीं ATS ने 17 जुलाई को सीमा से 9 घंटे पूछताछ की कि कैसे उसने नेपाल बॉर्डर को अवैध रूप से पार करते हुए भारत में एंट्री ली। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के पाकिस्तान नंबर वाले फोन का डाटा डिलीट किया गया था, जिसे ATS की टीम रिट्रीव करने में लगी हुई है। सीमा हैदर के पास से 4 मोबाइल फोन चालू हालात में मिले, तो वहीं एक टूटा हुआ फोन बरामद किया गया है। वहीं सचिन के पास से भी टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला है। इसके अलावा सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट भी मिली है, जिसको लेकर सीमा हैदर ने बताया कि इसमें बचपन की और शादी की वीडियोस हैं। सीमा हैदर के बच्चों से फोटोज में मिले चेहरों और जगहों की पहचान करवाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।